नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसेल सिग्नल कम स्किनर बना है उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। तो मंडे के लिए मतलब 30 मार्च 2020 के लिए मैंने कुछ बाइसेल लेवल दिखाऊंगा। बाइसेल लेवल ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल दिखाऊंगा। उसके बाद 100 डे ईएमए स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा। इन साइड द बार NR4 NR7 कैंडल स्टिक पैटर्न और बहुत सारा लेवल्स, गान लेवल्स, फिबोनाची लेवल्स, इलियट लेवल्स, मूलरेस लेवल्स और 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी इक्विटी कमोडिटी सभी को मिले। इक्विटी कमोडिटी सभी को मिलेगा और गान बेस्ड वोलेटिलिटी बेस्ड फिबोनाची, स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड फिबोनाची, इलियट वेव, गान, ये सब लेवल्स दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू मैंने रेगुलर बेसिस पे देता हूँ, चाहे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस रेगुलर बेसिस पे करता हूँ और उसका लेवल्स दिखाता हूँ। तो वो भी आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा नोटिफिकेशन। और बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है जो कि आप लोग को स्टॉक मार्केट में काम करने का बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आप लोग स्टॉक मार्केट से आसानी से प्रॉफिट कमा सकता है। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये वीडियो ये फाइल में ये फाइल आप लोग को इस्तेमाल करके बढ़िया तरीक़े से आप लोग प्रॉफिट कमा सकता है। इतना सारा लेवल्स है और स्किन इसका इतना स्क्रीनिंग करने का इतना चीज़ है कि कौन सा अप ट्रेंड है, कौन सा डाउन ट्रेंड में है, कौन सा स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में है, निफ्टी अप ट्रेंड में होगा क्या, निफ्टी डाउन ट्रेंड में होगा, प्रोबेबिलिटी से शुरू करके एम ए क्रॉस ओवर, बोलिंजर बैंड, प्राइस चैनल, बहुत सारा चीज़ है। उसके बाद आप लोग लेवल्स भी देख सकता है, ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, उस लेवल पे आप लोग काम कर सकता है और बहुत ही आसानी से प्रॉफिट कमा सकता है। तो इसका फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन होने के लिए आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को मिल जाएगा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। उसका थ्रू में आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए और इसका फ्री ट्रायल देख लीजिए। उसके बाद आप लोग इसका मेरा पेड सर्विस ले सकते हैं। उसमें मेरा आप लोग को पूरा फाइल मिल जाएगा, मेरा गाइडेंस भी मिल जाएगा, कहाँ पर कब कहाँ पर एंट्री लेना है, कैसे एंट्री लेना है, वो सब आप लोग को गाइडेंस मिल जाएगा। तो इसका और ये फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी, सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को इसमें मिल जाएगा। तो देखिए पहले तीनों सेट ऑफ बाइसेल लेवल्स दिखाऊंगा, उसके बाद एक एक करके गान लेवल, फिबोनाची लेवल्स, मूरेस लेवल्स, गान 360 डिग्री एनालिसिस, ये आप लोग जब लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करेंगे ये आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आप लोग ऑब्जर्व कर सकता है। तो देखिए पहले वाला बाइसेल लेवल, बाई लेवल सेल लेवल्स वन में जो है, बाई लेवल सेल लेवल वन में जो है, इसमें बाई का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएं तरफ और टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएं तरफ रहता है। और इसको कैसे इसको स्क्रीनिंग का कैसे इसको एंट्री लेना है वो आप लोग मेरे परफॉर्मेंस वाला वीडियोस देख लीजिए, उसमें आप लोग को पता चल जाएगा कैसे इसको गैप ओवर पहले उसको जब मार्केट ओपन होगा कौन सा लेवल पे स्टॉक का प्राइस है वो आप लोग को देख लेना है। उसके बाद कौन सा लेवल पे है आप लोग को देख लेना है। उसके बाद जो पिछला अगला जो लेवल है उसके लिए टारगेट के लिए करना पड़ेगा और अगला टारगेट नज़दीक होगा तो नेक्स्ट टारगेट के वो उस लेवल क्रॉस होने के बाद नेक्स्ट टारगेट के लिए एंट्री लेना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद बाइसेल लेवल टू है, बाइसेल लेवल टू, इसका बाई का एंट्री लेवल और सेल का बिलो का एंट्री लेवल बीच में रहेगा और टारगेट ये। इसके बाद फिबोनाची का लेवल दिखाऊंगा, सॉरी बाइसेल लेवल थ्री दिखाऊंगा, यह है वैसे बाई का एंट्री लेवल भी R1 और सेल का एंट्री लेवल S1। कौन सा ये सभी लेवल पे आप लोग को देख लेना है कौन सा लेवल पे है। यह स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बोलिंजर बैंड का मिड बैंड, अपर बैंड, लोअर बैंड, इसका भी हो सकता है, प्राइस चैनल का भी हो सकता है, प्राइस चैनल का वैल्यू नोट कर सकता है, उसका भी आप लोग को एंट्री पॉइंट हो सकता है। टॉप लाइन डिनर लेवल का टॉप लाइन, मिडिल लाइन, बॉटम लाइन का वैल्यू भी आप लोग देख सकता है। क्या हो गया इसका थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। हाँ उसके बाद मैंने दिखाऊंगा
देखिए क्या आता है इसके बाद गान का, ये जो गान का लेवल्स है ये आप लोग देख सकता है, गान का रेजिस्टेंस मतलब इसका अपसाइड का लेवल्स है और ये डाउन साइड का लेवल्स है, सपोर्ट जो है ये डाउन साइड का लेवल है और ये है गान स्क्वायर का लेवल्स आप लोग देख सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस आर वन सपोर्ट है और इस वन से रेजिस्टेंस है, ये है मूरेस मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इसमें क्या है देखिए, हाईएस्ट रेजिस्टेंस और लोएस्ट सपोर्ट ये बीच में रहेगा, उसके बाद देखिए S1 S2 S3 जो है सोच लीजिए 5023 और 5055 के अंदर है, तो आप लोग को समझ लेना पड़ेगा ये डाउन जाएगा और 5055 का एल लेना, और जो जो 5023 और 5 ऊपर है तो आप जो को इसके 5041 5058 ऐसे करके आप लोग को टेल लेना है, हर एक लेवल पे आप लोग सोच लीजिए इधर मतलब मैंने और भी नीचे दिखाता हूँ, सोच लीजिए 4829 का और 4811 का बीच में है, तो आप लोग को सोच लेना है कि ये नीचे जाएगा 4811, उसके नीचे जाएगा तो फिर नीचे का लेवल, और जो 42 है ये सोच लीजिए 4835 का 35 में है, तो इसका आप लोग को 4847 4864 के लिए देखना है, ऐसे करके आप लोग को इसको ट्रेड करना है। ये मूरेस मैथमेटिकल क्वेश्चन ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है, और उसके बाद जो है ये गान 60 डिग्री एनालिसिस मैंने बनाया हूँ, और ये जो है ये लास्ट ट्रेड प्राइस के हिसाब से गान का कौन सा डिग्री पे है वो इधर दिखा रहा है, और उसका रिवर्सल कहाँ पर कितना टाइम पे लास्ट सेशन से कितना टाइम में आ सकता है, ये घंटा और मिनट में है, ये आप लोग नोट कर सकता है, इसका ये रिवर्सल आ सकता है, लास्ट ट्रेड प्राइस जो है इस उधर से आप लोग को कुछ बड़ा चेंज दिख सकता है, और ये है गान 360 डिग्री एनालिसिस, इसका जो फास्ट साइकिल है मतलब फास्ट साइकिल में अप डाउन होगा, मतलब अप साइड और डाउन साइड दिखेगा, सेकंड साइकिल में अप साइड डाउन साइड दिखेगा और थर्ड साइकिल में अभी अप साइड डाउन साइड दिखेगा, 45 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक लेवल्स हर एक साइकिल में होगा, तो आप लोग जरा देख देखिए इधर 360 डिग्री प्राइस एनालिसिस अप साइड ठीक है फास्ट साइकिल का, तो ये है फास्ट साइकिल, आप लोग इसको देख सकते हैं, तो इसमें जो दिखा रहा था फर्स्ट साइकिल का, आप लोग एक बार समझ में नहीं आएगा तो बार बार सुनिए, क्योंकि मैंने रिपीट नहीं करेंगे तो मेरा मतलब ये देखिए इसका फर्स्ट साइकिल 45 डिग्री से 360 अप साइड में है, 360 डिग्री 45 डिग्री से 360 डिग्री, उसके बाद डाउन साइड में भी 45 से लेके 360 डिग्री ठीक है, ये गया फर्स्ट साइकिल, एंड ऑफ ये फर्स्ट साइकिल हो गया, उसके बाद ये है 360 डिग्री एंगल, ये फर्स्ट साइकिल का अप साइड, इसके बाद फर्स्ट साइकिल का डाउन साइड ठीक है, इसके बाद ये है सेकंड साइकिल, ये एंड ऑफ द सेकंड साइकिल हो गया, इसके बाद थर्ड साइकिल ठीक है ना दोस्तों, तो इसके इसका हिसाब से आप लोग जब ट्रेड लेंगे वो आप लोग को प्रॉफिट होना ही है, आप लोग को मतलब देखिए 100% को कोई एक्यूरेसी नहीं दे सकता, लेकिन प्रॉफिट नहीं होने का कुछ वजह भी नहीं है, आप लोग ठीक से इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसके बाद देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी का भी मैं दिखाता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी का पहले बाय सेल लेवल दिखाऊंगा, उसके बाद बाय सेल लेवल 1 2 3, उसके बाद वो लेवल ऑलरेडी दिखा चुका हूँ मैंने, 360 डिग्री का एनालिसिस मैंने ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, फिर भी एक बार देख दिखा देता हूँ, ये गान, ये गान स्क्वायर ऑफ 9, ये मूरेस, उसके बाद 360 डिग्री एनालिसिस, ये सब करेंगे करके आप लोग करेंगे तो आप लोग को जब समझ में आए नहीं आएंगे तो अब पहले तो मैंने आप लोग को फाइल शेयर कर दूंगा, जो लोग पेड सर्विस लेंगे और फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन होने के आप लोग ये सब लेवल्स ऑब्जर्व कर सकता है एक साथ, उसके बाद मेरा तो कॉल्स रहेगा ही चार्ट पे चार्ट एनालिसिस से, और इधर से मैंने मॉनिटर को आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो मैंने आप लोग को गाइड कर दूंगा, तो इसीलिए आप लोग इसका मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए और एक बार ट्रायल देख लीजिए,
और जो लोग ऑलरेडी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, तो इसीलिए इसका फाइल मैंने शेयर नहीं कर पाऊँगा। उस सर मैंने रिक्वेस्ट किया हूँ कि वो लोग मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, तो उधर मैंने फाइल शेयर कर पाऊँगा। वीडियो तो शेयर कर दूँगा शायद, लेकिन फाइल नहीं शेयर कर पाऊँगा, तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी दे दिया है। आप लोग उधर जो लोग उधर है उधर ज्वाइन हो सकता है, और ना जो लोग है मैंने यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को दे दूँगा। ये लाइव ये तो दे रहा हूँ एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे जो फाइल है वही सफिशियंट है, लेकिन ये सब पूरा एनालिसिस मैंने लाइव मार्केट में भी आप लोग को अपडेट करके दूंगा, अपडेट करके फाइल शेयर करके दूंगा और गाइड भी कर दूंगा। इस लेवल पे आप लोग एंट्री लीजिए तो आप लोग को उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग क्या होता है नहीं होता है। उसके बाद कुछ फ्यूचर्स का लेवल ऐसे ही दिखा देता हूँ। इतना सारा लेवल्स लेके क्या करेंगे दोस्तों, अब लोग टिप तो करना है और लोग को पेड सर्विस लेना है, उसके बाद ही हम लोग को सब कुछ ऐसे मिल जाएगा। एनीवे उसके बाद मैंने इसमें से आप लोग को जितना दिखाता हूँ थोड़ा सा करके ही आप लोग मतलब करेंगे, उसके ऊपर ही काम करेंगे तो आप लोग को सफिशियंट है, तब भी आप लोग को इतना सारा लेवल्स आप लोग को दिखा देता हूँ। मूविंग एवरेज का ये जो मूविंग एवरेज का जो 100 डे मूविंग एवरेज का जो स्ट्रेटेजी है, यह है कि 100 डे मूविंग एवरेज जो आज का लास्ट डे का डेली कैंडल को काट किया है, उसका जो हाई लो जब तोड़ेगा तो उस वो अच्छा मूवमेंट मिलेगा। ये है भारती एयरटेल, बायोकॉन, कैडिला हेल्थ और डिविस लैब में दिखा था, और भी दिखा था, अभी तो नहीं दिखा पाऊँगा, और भी कुछ दिखाना है। और आप लोग इधर से कुछ कुछ लेके काम करेंगे तो जो वीडियो में दिखाता हूँ वो भी आप लोग को सफिशियंट है। ये देखिए इनसाइड द बार एनआर अदानी पोर्ट में बना है, आप लोग कुछ चेक कर सकते हैं। जो लोग को समझ में आता है NR4 NR7 बना है अपोलो हॉस्पिटल, और इसमें एशियन पेंट, और इधर और नहीं दिखाता हूँ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में दिखा है NR4 NR7, और इसमें दिखता है हायर हाई हायर लोस और लोअर हाई लोअर लोस कुछ बना है क्या दिखता है कि हायर हाई लोअर लोस कुछ बना नहीं है। इधर कुछ लेवल्स दिखाता है इन्वर्टेड हैमर पॉजिटिव हैमर नहीं इन्वर्टेड हैमर पॉजिटिव हैमर कुछ बना नहीं है। मास्टर लॉन्ग कुछ बना है मास्टर शॉर्ट भी कुछ बना है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। इधर से जो मतलब स्टॉक्स हाईलाइट हो रहा है उसमें बना है, और इधर सेकआउट इतना सारा में बना है 50-50 इधर से बना है। इधर जब हाई लो ब्रेक करेगा इसमें काम करना है, ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट ये क्या हाँ ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट ये हुआ है एक टाइप का ट्रायंगुलर पैटर्न, और दूसरा तीसरा पैटर्न कुछ बना है क्या देखता है इसमें बना है हिंदुस्तान लीवर में, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड आउट ब्रेकआउट बुलिश साइड के। इस बार क्या है ये बीआरएस है तो गैप डाउन हुआ है उसका दिखाता है, और आप लोग कुछ चेक कर सकते हैं इस स्टॉक्स में गैप डाउन हुआ है। बटरफ्लाई पैटर्न या हार्मोनिक पैटर्न कुछ नहीं बना है शायद, ज़्यादा दिखता नहीं है रियल मार्केट कंडीशन सॉरी मतलब कन्वेंशनल एकदम एक्यूरेट कुछ बनता नहीं है, लेकिन कुछ रियल मार्केट कंडीशन में कुछ बनता है बीच बीच में। इसके बाद आप लोग को जो दिखाऊंगा मेरा वीडियो लंबा हो जा रहा है, मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा इंटरनेट में यूट्यूब वीडियो में लोड करने का, तो मैंने जल्दी ख़त्म कर देता हूँ। तो इसके बाद जो ये फिबोनाची का जो 7 डेज का हिसाब से
सब कुछ मतलब 7 डेज 5 डेज 3 डेज 2 डेज का लेवल्स आप लोग इस स्टॉक्स में भी आप लोग देख सकता है। आप लोग देखिए कुछ स्टॉक्स में इतना सारा स्टॉक्स में कहाँ से दिखाऊंगा, तो इसीलिए मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी को दिखा देता हूँ। जब ये लेवल ब्रेक करेगा तो ये जब लेवल आप लोग जानता है कुछ लॉन्ग टर्म का लेवल ब्रेक करेंगे तो आप लोग को उसका मूवमेंट अच्छा मिलता है, मिलेगा मिलने का मतलब पॉसिबिलिटी होता है। तो ये आप लोग नोट कर सकता है ये 15 डेज का हिसाब से 30 डेज का हिसाब से 1 ईयर का हिसाब से आप लोग को मिल जाएगा। इसके बाद जो है ये CPR का CPR पीवर पॉइंट भी आप लोग को इधर से मल्टीपल टाइम फ्रेम में मिल जाएगा। इसके बाद जो दिखाऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब लेवल्स आप लोग नोट कीजिए। ये वोलेटिलिटी बेस्ड फिबोनाची लेवल्स है, आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ही ऑब्जर्व कीजिए क्योंकि स्टॉक्स में कितना सारा दिखाऊंगा। तो ये वोलेटिलिटी बेस्ड फिबोनाची लेवल्स है इसका, ये है वोलेटिलिटी बेस्ड गाल एंगल्स, ठीक है। R1 R2 R3 S1 S2 S3 ये सब गाल का एंगल्स है, और जिधर फिबोनाची का जो S2 लेवल्स है और गाल का जो S11 का लेवल है वो जब मैच करेगा, जब वो लेवल जब क्रॉस करेगा मतलब अप साइड में या डाउन साइड में, उसमें बहुत ही अच्छा बढ़िया मूवमेंट देगा। ये है गन एंगल्स का, ये भी वोलेटिलिटी बेस उधर उसमें जो सीट दिखाता है ऐसे ही दिखाता है, लेकिन ये वोलेटिलिटी को लिंक किया करके दिखा। वोलेटिलिटी लिंक करने से क्या होता है कि जब कितना मूवमेंट एक्चुअली आता है सभी समय टारगेट नहीं फुलफिल होता है, तो जब वोलेटिलिटी को लिंक कर देता है एक्चुअली क्या, और बीच बीच में लेवल आने के बाद भी रिवर्स हो जाता है, बहुत ही रेयर केस है। 95% में आप लोग को मिलेगा, लेकिन ये इस लेवल पे जब वोलेटिलिटी को जब लिंक करेंगे तो जब लिंक मतलब लेवल आएगा तो बढ़िया तरीका से आप लोग को प्रॉफिट देने का चांस और भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए वोलेटिलिटी बेस्ट जो है वोलेटिलिटी और स्टैंडर्ड डेविएशन को लिंक करके जो है तो उसको देता है, और ये प्रोबेबल प्राइस मूवमेंट आप लोग देख सकता है। तो अभी इधर ही ख़त्म करता है दोस्तों, मेरा वीडियो बहुत ही लंबा हो गया। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। बीच में देखेंगे आप लोग को ट्रेडिंग अच्छे से कीजिए, और आप लोग को फाइल को इसको शेयर मतलब ले लीजिए, आप लोग को ट्रेडिंग में बहुत ही चेंज आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।